हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड तीन सॉल्यूशन आज हम लोग पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे सेल वॉल, सेल वॉल में प्लाज्मोलाइसिस एंड फिर थर्ड हमारा न्यूक्लियस। ओके, एंड आज हम कोशिश करेंगे कि हम ये तीनों टॉपिक पढ़ा लें, क्योंकि दो बार के इससे हो रहा है कि हम कवर नहीं कर पा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है। द मूवमेंट ऑफ एयर एंड लिक्विड फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन एंड लोअर कंसेंट्रेशन, ये दो टर्म हमारे आ रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं कि हायर कंसेंट्रेशन एंड लोअर कंसेंट्रेशन क्या है। ये एक सेल है जो कि हाईली कंसेंट्रेटेड है। ओके, कंसेंट्रेटेड सेल, और ये हमारा लो कंसेंट्रेटेड है। तो चलिए पहले हम समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके घर में, आप सबके घर में एलपीजी सिलेंडर होगा, जो कि आप लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हो। लगभग हर किसी के घर में आज के समय में होता ही है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो गैस होता है उसको हम इतना हाईली कंसेंट्रेटेड करके उसके अंदर रहता है, सिलेंडर के अंदर रहता है, कि वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो जब हम खाना बनाने के लिए जब रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो अंदर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो बाहर कैसे आता है, वो गैस फॉर्म में आता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही उसको बाहर लोअर कंसेंट्रेशन नजर आता है तो वो जल्दी से क्या करता है, एस्केप करता है। एस्केप करता, अंदर वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है और अंदर उसे बस थोड़ी सी एरिया मिलती है, उसी में वो एस्केप करके और फ्रीली वो मूव करने लग जाता है। तो ये क्या होता है, ये डिफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं, तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करते टाइम क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जाते हैं तो वो तो हमारे बॉडी के लिए वेस्ट होते हैं, उनका हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन क्या करता है, वो अपना काम करने लग जाता है, सेल अपना वर्क पे लग जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का तो वहाँ पे कोई काम नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो सेल के अंदर जो होता है वो एकदम हाईली वो पैक्ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर कंसेंट्रेशन बहुत हाई होता है, तो वहाँ क्या होता है, वो हाईली पैक्ड हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करते टाइम क्या होता है कि हमारा एनवायरमेंट में क्या होता है कि हमारे कंसेंट्रेशन जो हमारे बॉडी के कंपैरिजन में लो होता है। तो जैसे उसे दिखता है कि अभी भाई जगह है, भाग लेते हैं, बाहर लो कंसेंट्रेशन है या तो काफी हाई कंसेंट्रेशन है, तो वो क्या करता है, तुरंत बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उस टाइम में फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में वापस से जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो खाली हो जाते हैं। ठीक है, लगभग वो वैक्यूम हो जाते हैं। तो बाहर के जो ऑक्सीजन होते हैं वो देखते हैं कि बाहर भाई हाई कंसेंट्रेशन है, अंदर लो कंसेंट्रेशन है, अंदर सेल जो है वो काफी खाली पड़ी है, तो वो लोग वापस से इनहेल करके जो ऑक्सीजन होते हैं वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो फंडा चलता है वो डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्यूजन है और यही हाईली कंसेंट्रेशन एंड लोअर कंसेंट्रेशन का यहाँ पे मतलब है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस, अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में ये चीजें जाती है। पर यहाँ पे क्या डिफरेंस बस होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये लिक्विड में सिर्फ होता है, लेकिन डिफ्यूजन किस में होता है, डिफ्यूजन एयर एंड लिक्विड दोनों में होता है, पर ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है। एंड ऑस्मोसिस में और भी होते हैं, ऑस्मोसिस में सबसे मेन पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अगर वो क्या करते हैं, वो पार्शियली परमेबल होता है। ठीक, अगर वो किस मतलब चीजों को सेलेक्ट करके ही अंदर जाने को देती है, ठीक है, तो वो एक बैरियर बीच में आ जाता है जो कि सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है। और बाकी आप जैसे कि आप आरओ वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है जो पानी को फिल्टर करता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में ये चीज होता है, पर डिफ्यूजन में ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, डिफ्यूजन अपना नॉर्मल वो प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, एंड डिफ्यूजन जो क्या होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, पर ऑस्मोसिस यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, लाइक जैसे आप टैप ऑन किए, वहां से पानी आ रहा है, पानी वो जैसे जा रहा है तो वो अपना जैसे पैसेज उसका होगा उसी पैसेज में हो जाएगा। ठीक है, वो बैक नहीं आता है, वो अपना यूनि डायरेक्शनल होता है। तो ये सारे हमारे डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ओके, तो आइए एक बार हम
देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं सारे डिफरेंसेस को। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तीन डिफरेंस को मैं पहले ही बता दी हूं, लेकिन फिर एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। फ्लो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन बोथ डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट फ्लो कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, वन डायरेक्शन डायरेक्शनल, मतलब यूनि डायरेक्शनल। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा कि इसमें मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड, पर इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा यूज है, मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट है हमारा, ये क्या है, ये फास्ट प्रोसेस है, ओके, एंड ये हमारा स्लो प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट इज, ये लिक्विड एंड गैस दोनों में होता है, और ये हमारा सिर्फ लिक्विड में होता है। फिफ्थ पॉइंट इज कि मूवमेंट जो इसमें होता है वो लार्ज डिस्टेंस पे होता है, मूवमेंट्स आर ओवर लार्ज डिस्टेंस। एंड इसमें स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल या शॉर्ट डिस्टेंस, ओके। तो ये हमारे फाइव पॉइंट्स हैं। पहला कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों डायरेक्शन में मूव फ्लो करते हैं, इसमें वन डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसमें मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसमें मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है, इसमें ये फास्ट प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, ये इसमें लिक्विड और गैस दोनों में ये डिफ्यूजन होता है, पर ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि ये लार्ज डिस्टेंस पे मूवमेंट होता है इसमें, और इसमें शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, ओके। तो ये हमारा पांचों पॉइंट था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। तो चलिए अब आगे चल के देखते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। टोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके। जिसमें सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट हमारा होता है जैसे सॉल्ट ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, ये सब क्या है, सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, H2O, ओके। तो अब सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, तब इससे हमें और क्लियरली हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक समझ में आता है। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, पहले हमको सबसे पहले ये जानना है कि कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, हमारा सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या है, हमारा मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। ये हमने पहले ही देखा कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या होता है, लिक्विड का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, हमारा कंसंट्रेशन डिपेंड करता है हमारे सॉल्यूट पे। तो पहले ये है, इसमें हमने एक सॉल्यूशन डाला, ठीक है।
जिसमें क्या है, हाइपरटोनिक का क्या मतलब, हाइपर, हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, तो ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा है, ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब हमारा सॉल्यूट ज्यादा है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिपेंड करता है सॉल्यूट पे, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, अब सॉल्यूट ज्यादा है तो हमारा सॉल्वेंट क्या है, कम है, और हाइपो, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, ठीक है, अगर ये कम है यहाँ पे तो मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कम है, कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट कम है, और सॉल्यूट अगर कम है तो फिर हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन हम लोग ले ली, हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, हमारा सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, अब इसके अंदर हम एक सेल डाल देते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी सेल जो हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब ये हमने ले लिया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, हमारा सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कम है, पर इस सेल में क्या है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, तो क्या होगा इसका जो इसमें हाई कंसंट्रेशन है, इसमें लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है यहाँ पे, तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो यहाँ से यहाँ को मूव कर जाएगा, यहाँ से यहाँ को मूव करेगा, जिसकी वजह से जो ये सेल है ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हम आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, ये हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, वापस इसमें हम एक आरबीसी डालते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या हो गया हमारा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने लिया तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ कंसंट्रेशन हाई हो गया सॉल्यूशन में और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में सेल में हमारा कंसंट्रेशन क्या हो गया, लो हो गया, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है, तो ये यहाँ से यहाँ को चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने से क्या होगा, ये जो सेल होगा या तो वो स्वेल कर जाएगा, या तो स्वेल कर जाएगा, या तो ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब वो फट सकता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है और हाइपरटोनिक में सेल जो है वो स्वेल कर जाता है। अब आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब क्या है कि इसमें कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, सॉल्यूट का भी कंसंट्रेशन उतना ही होगा, सॉल्वेंट का भी कंसंट्रेशन उतना ही होगा, तो यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं इसको, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ क्या है इसमें हमने एक सेल डाला, तो सेल का कंसंट्रेशन भी कंसंट्रेशन जितना है उतना ही हमारे सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये सेल ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन अक्सर हम यूज करते हैं कब, जब जैसे कि हमें बहुत हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है या ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस टाइम में जो सॉल्यूशन यूज होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है, तो आई होप आप समझ के होंगे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक।